आज मैं जिससे भी मिल रहा हूँ और जिसको भी ये बात बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर 294 की धारा लगी है, लोग हंस हंस के जमीन पे गिर जा रहे हैं। मैम ये हो जाएगा क्या ऑनलाइन? अभी चालू नहीं हुआ। कुछ अजीब गरीब सा हो रहा है, मतलब गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो लोग पीछा कर रहे हैं, पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं। गाड़ी अगर आप रोक दो ना तो वो भी गाड़ी रोक देते हैं पीछे, और ऐसा नहीं कि आपको कोई गिरफ्तार करने के लिए आपका पीछा किया जा रहा है कि आपको रोक के गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं, पीछा पीछा किया जा रहा है बस। फर्जी FIR पर पुलिस वाले इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं, क्या करना चाह रहे हैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं थोड़ा सा परेशान जरूर हो गया था, लेकिन डरा मैं 1% भी नहीं हूँ। आपको पता है जब मैं इस फील्ड में आया था, मतलब YouTube के इस तरह के वीडियो बनाने के बारे में जब मैंने सोचा था, मैंने तभी ये सोच लिया था कि कोई ना कोई आपको ठोक के भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उस समय ही गौरी लंकेश वाला जो कांड हुआ था वो उसी टाइम के दौरान हुआ था। जो ये काम कर रहा हूँ, बाबा साहब के बारे में बात करता हूँ, मनुवाद के बारे में बात करता हूँ, ये अपनी इच्छा से आया हूँ इस काम में, और बिल्कुल हर चीज़ सोच समझ के आया हूँ। मुझे कतई 1% डर नहीं लगता इन लोगों का। बस ये है, ये लोग डायरेक्ट वार नहीं कर रहे हैं, ये आपके ही लोगों से आपके ऊपर गलत इंजाम लगा रहे हैं। मैं गाना गा रहा हूँ लड़कियों को देख के, सच बता रहा हूँ, अगर मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर रहा होता तो 99% लोग सब ये यकीन कर लेते कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आपको पता है आज मैं जिससे भी मिल रहा हूँ और जिसको भी ये बात बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर 294 की धारा लगी है, लोग हंस हंस के जमीन पे गिर जा रहे हैं। बोले क्या हो क्या रहा है, ये पुलिस वाले इतने बेवकूफ कब से हो गए? तो एक चीज है ना, मैं आपको क्लियरली समझा दूं कि ना तो आप मुझे डरा सकते हो और ना ही आप मेरी इमेज खराब कर सकती हो। ये दोनों काम आप पूरी ताकत लगा लोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे। आज है ना गांधी जी की हार हो गई और बाबा साहब की जीत। यहाँ पे लिखा है हरिजन की जगह डॉक्टर अंबेडकर शब्द, मतलब जहाँ भी ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना हरिजन, वहाँ पर आज के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आएगा। जैसे कि किसी मोहल्ले का नाम अगर हरिजन बस्ती है तो उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर बस्ती कहलाएगा। वो हरिजन गाँव है तो अम्बेडकर गाँव, अम्बेडकर विलेज, मतलब हरिजन शब्द जो है गांधी जी ने दिया था और बाबा साहब का नाम आज इस पर हावी हो गया है, तो बहुत खुशी की बात है अगर ये कहानी मतलब ये स्टोरी सही है तो। ये आज की तो स्टोरी थोड़ी ना है, लोग मुझे अंधभक्त कहेंगे, लेकिन ये पहले है ना जो आज केजरीवाल कर रहा है ना, ये वैनी बहुत पहले कर चुकी है अपनी सरकार में। वो ठीक है, वो यूपी में किया उन्होंने, ये दिल्ली में कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। केंद्र में तो कोई नहीं है ना तो ये है ना वो थी, ठीक है एक ही बात है। ये तो BSP की बड़ाई करेगा, ये आम आदमी वाले बिल्कुल बहुत अच्छा है, सराहनीय काम है, कहीं से भी शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर संजीव बता रहा है यूपी में ऐसा हुआ तो अच्छा है, मतलब पूरे भारत में होना चाहिए। हरिजन शब्द सही तो बेंजी, हाँ सीएम के भैया ग्वालियर में ये एक ऑफिस है जिसपे हरिजन शब्द लिखा हुआ है, मैं पता है, मुझे पता है। वो आजकल बहुत नहीं, अब आगे नहीं बोला, आगे नहीं बोलो, बस हमें नेगेटिव बात नहीं करनी, हमें सिर्फ उस शब्द की बात करनी है। तो ग्वालियर में भी एक जगह है जहाँ मैंने आज से 3 साल पहले देखा था ये शब्द, और मैंने देख के सोचा ये कैसे हो गया, फिर समझ आया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो संभव है, हो सकता है, क्योंकि उस समय एक जो है ना हम बालकनी में लगाने वाले हैं ताकि ये पूरा व्यू आए यहाँ से यहाँ तक, कोई भी गाड़ी निकलती है कुछ भी होता है तो क्लियरली हमें पता चल जाए। जैसे ये निकली, ये ले दार पकड़, ज़्यादा मत खींचना, रेत भरी है, मिट्टी भरी है। लगभग 36 डेज के बाद में यहाँ वापस आया हूँ। 36 दिन तक
सोच रहे होंगे कितना बिजी था कि मैं दौड़ने तक नहीं आ पा रहा था। लाइफ ऑफिस से ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 36 दिन जो वेस्ट हुए ना, इसलिए डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा हर एक चीज़, ताकि वापस से 36 डेज जो है वो रिकवर हो पाएँ। और जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था ना, उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। मेरे वकील ने ख़ास तौर पे ये बोला है, जब तक फैसला जो है वो आपके फेवर में नहीं होता, जब तक आप इसको अभी पॉज कर दो, क्योंकि जो आपके दुश्मन होते हैं ना, वो हर एक वो मौका ढूंढने की कोशिश करेगा बचने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई मौका मैंने छोड़ा ही नहीं है, तो वो हर संभव मौका ढूंढेगा आपको हराने के लिए। इसलिए वो स्टोरी अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।